बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। कि ज्योतिष में शुक्र क्या करता है दरअसल, देखिए शुक्र को भी ज्ञान का स्वामी कहा जाता है। ये मत समझिए कि शुक्र का मतलब केवल ग्लैमर होता है, शुक्र को गुरु भी कहते हैं। दो आचार्य हैं ज्योतिष में, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। तो शुक्र को भी ज्ञान का और वैभव का स्वामी कहा जाता है। शुक्र जो है वो ग्लैमर का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। शुक्र के पास दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। शुक्र जो है ये मीन राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, और अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो शुक्र की वजह से आपको जीवन में सुख और वैभव मिल जाता है। अगर कुंडली में शुक्र का राजयोग है तो व्यक्ति को नाम यश भी मिलता है। ग्लैमर तो मिलेगा ही, वैभव तो मिलेगा ही, साथ में नाम और यश भी मिलता है। शुक्र का केवल एक राजयोग भी अगर आपकी कुंडली में है तो आप जीवन में आसानी से सुख और शांति पा सकते हैं। ज्योतिष में पंच महाभूतों के पांच योग की बात की गई है। उसमें जो शुक्र का पंच महापुरुष योग है उसे कहते हैं मालव्य योग। कैसे बनता है? शुक्र अगर कुंडली में केंद्र में मीन राशि में, वृषभ राशि में या तुला राशि में बैठा हो तो मालव्य नामक राजयोग बनता है, महाराजयोग है ये। और अगर कुंडली में मालव्य नामक राजयोग बनता है तो इससे व्यक्ति को अपार वैभव और अपार विलास मिलता है। व्यक्ति को ग्लैमर, सुख समृद्धि, धन और आकर्षण प्राप्त होता है। जिनकी कुंडलियों में मालव्य योग होता है ऐसे लोग फिल्म के क्षेत्र में, मीडिया में, कला में, सौंदर्य या चिकित्सा के क्षेत्र में काफी सफल होते हैं। मालव्य योग वाले लोग कभी कभी आपको औषधि यानी मेडिसिन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिखाई देंगे। अगर कुंडली में मालव्य योग है तो आपको विलासिता की आदतों का ध्यान देना चाहिए, बेवजह लग्जरी में डूबना नहीं चाहिए, साथ ही साथ बेवजह धन की बर्बादी करने से भी जहां तक संभव हो आपको बचना चाहिए। शुक्र का जो दूसरा राजयोग है उसे कहते हैं अंशावतार योग। शुक्र एक विशेष तरह का राजयोग भी बनाता है, इसे अंशावतार राजयोग कहते हैं। जब शुक्र शनि और बृहस्पति के साथ हो और ऐसी स्थिति में शनि अपनी उच्च राशि में केंद्र में कहीं बैठा हो तो अंशावतार नामक राजयोग बनता है। ये बहुत दुर्लभ राजयोग है जो व्यक्ति को डिवाइन बनाता है, व्यक्ति को दैवीय बनाता है। इस योग वाला व्यक्ति आम तौर पर सिद्ध होता है, उसके पास आम तौर पर ऑकल्ट पावर्स भी पाई जाती हैं, जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता है। लेकिन इस योग के लिए आपको ग्रहों का अंश भी देखना होगा, वर्गों का भी ध्यान रखना होगा और यह भी देखना होगा कि शनि जो है वो केंद्र में उच्चस्थ है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है शुक्र बृहस्पति शनि साथ में हो या शुक्र बृहस्पति से शनि का संबंध बन रहा हो, लेकिन अगर शनि उच्चस्थ नहीं होगा तो ये योग इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा। ज्योतिष में छठवें, आठवें और बारहवें भाव को अशुभ समझते हैं, इसको त्रिक स्थान कहते हैं। जो कुंडली का बारहवां खाना है, हालांकि ये नकारात्मक माना जाता है लेकिन होता बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भोग का भाव भी है और ये मुक्ति का भाव भी है, और ज्यादातर ग्रह यहां पर जाकर के गड़बड़ ही होते हैं। इस भाव में केवल दो ही ग्रहों से लाभ मिल सकता है, एक है शुक्र और दूसरा है केतु। शुक्र द्वादश भाव में व्यक्ति को बहुत सारी सुख सुविधा और भोग के अवसर प्रदान कर देता है, लेकिन शुक्र यहां पर कभी कभी भटकाव भी देता है, हालांकि जीवन को बड़ा कंफर्टेबल, बड़ा आरामदायक बना देता है। बारहवें खाने में बैठा हुआ शुक्र आपको जीवन में कंफर्ट जरूर देगा, ये बात समझ लीजिए।
इस योग के होने पर नियमित रूप से ध्यान और पूजा उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ 12वां भाव जो है वो बेड कंफर्ट का है, लग्जरी का है, एक्सपेंडिचर का है, तो इन तीनों चीजों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 25 दिसंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी आपके लिए दिख रहा है, हालांकि देखिए जून से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। और राहत की बात इस साल में ये है कि धन और परिवार की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करेंगे, पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए साल बहुत शुभ रहेगा। आप अपनी इच्छा से विवाह करना चाहते हैं या चाहती हैं, मन चाहे विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मनचाहा विवाह होने में अड़चन आ रही है, क्या उपाय करना चाहिए? नियमित रूप से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें। कैसे करेंगे? रोज सुबह शाम उनके सामने ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे। हर शुक्रवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करके प्रार्थना करेंगे, आपके मनचाहे विवाह की स्थितियां जल्दी से जल्दी बननी शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं गुडलक मंत्र की। देखिए, जहां तक संभव हो शुक्रवार के दिन वैवाहिक जीवन में विवाद मत करिए। वैसे तो कभी मत करिए, लेकिन शुक्रवार के दिन अगर वैवाहिक जीवन में विवाद करते हैं तो याद रखिए इस दिन किया हुआ वैवाहिक विवाद जल्दी समाप्त नहीं होता। तो कोशिश करिए कि शुक्रवार के दिन पति पत्नी के बीच में झगड़ा विवाद ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा।